मध्य प्रदेश के चुनाव में लाडली बहना योजना का बीजेपी की जीत में एक बड़ा हाथ रहा। हर भाजपाई इस जीत का श्रेय लाडली बहना योजना को देने में लगा हुआ था, लेकिन इस बीच नई सरकार बनते ही लाडली बहना योजना से जुड़े एक आदेश ने सनसनी फैला दी है। सागर जिला प्रशासन ने एक लेटर जारी किया है। लेटर में उन महिलाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात की गई है जो योजना का लाभ ले रही हैं, लेकिन पात्र नहीं है। प्रशासन ने 15 दिनों का समय दिया है। ये लेटर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल लेटर में 4 दिसंबर की डेट है। लेटर को एमपी कांग्रेस ने शेयर किया है। लेटर में अपात्र लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग सागर ग्रामीण 2 की तरफ से निर्देश जारी किया गया है। लेटर में लिखा गया है, जो आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता समस्त चीफ स्वयं सहायिका समूह के सदस्य अगर लाडली बहना योजना का लाभ ले रहे हैं तो वो अपने लाभ का परित्याग कर दें। 15 दिन के अंदर ऐसे लोग अपने लाभ का परित्याग नहीं करते तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस आदेश के वायरल होने पर जनता और प्रशासन में हड़कंप मच गया, जिसके बाद प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए जाने शुरू हो चुके हैं। ऐसे में विभाग के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जहां पूरा मामला संज्ञान में आने के बाद कलेक्टर ने जिम्मेदार अधिकारी को फटकार लगाते हुए चेतावनी भी दी है और आदेश को निरस्त कर दिया गया है। या लाइसेंस लें और जो लाइसेंस की शर्त है उन सभी का पालन करें। सर, ये आपने महिला बाल विकास ने एक सर्कुलेशन जारी किया था लाडली बहना वाले, वो त्रुटिपूर्वक जारी किया गया था और उसको वापस ले लिया गया है। ये CDPO जो है उन्होंने अपने स्तर से जारी किया था और उनको इस संबंध में चेतावनी दी गई और उसके बाद उन्होंने उसको वापस ले लिया है। इस प्रकार का कोई भी आदेश जो कि शासन से जारी। बता दें, लाडली बहना योजना को पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया था। इस योजना को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की गेम चेंजर योजना बताया गया था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत दर्ज की थी। शिवराज सिंह चौहान की जगह मोहन यादव का राज्य का CM बनाए जाने के बाद से ही इस योजना को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।